नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सिवान जिले के नौतन से, जहां पर नौतन के ब्लॉक प्रमुख मीरा देवी के पति राजेश पांडे को बदमाशों ने गोली मार दी है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, जो कि एटीएल लाइव पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं सिवान के सदर अस्पताल की, जहां पर राजेश पांडे को लाया गया है और यहां पर उपचार उनका चल रहा है, यानी कि इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजेश पांडे को सीने में गोली लगी है। जिस तरीके से आपको बता दें कि नौतन के गलिमापुर गांव के रहने वाले हैं राजेश पांडे और उनकी पत्नी मीरा देवी है प्रमुख, नौतन की प्रमुख है मीरा देवी और उनके पति है राजेश पांडे, जिनको गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि घर पे थे गलिमापुर में राजेश पांडे और उसी वक्त कुछ बदमाश वहां पर जा पहुंचे और दे दनादन गोली दागने लगे, जिससे राजेश पांडे को सीने में गोली लगी है, जिनका उपचार सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, सिवान के एसडीपीओ अशोक कुमार आजाद और तमाम वहां के लोग पहुंचे हुए हैं और मामले की छानबीन की जा रही है। इस पूरे मामले पर एसडीपीओ अशोक कुमार आजाद ने मीडिया को बताया है कि बहुत जल्द मामले की मामले में गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि मामले को लेकर के जांच चल रही है और जो लोग भी अगर इसमें होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, हर हाल में सलाखों के पीछे होंगे। तो एक बार आपको फिर से बता दें, बिहार के सिवान जिले में इस वक्त की बड़ी खबर, जहां के नौतन ब्लॉक की प्रमुख है मीरा देवी, उनके पति राजेश पांडे को गोली मार दी गई है और वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सिवान के सदर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है। आपको बता दें कि राजेश पांडे सतीश पांडे के काफी करीबी हैं, जो कि अमरेंद्र पांडे और जो विधायक हैं उनके बड़े भाई हैं सतीश पांडे, और सतीश पांडे के काफी करीबी हैं राजेश पांडे, जो कि नौतन के ब्लॉक प्रमुख मीरा देवी के पति हैं और उन्हीं को बदमाशों ने गोली मार दी है। हालांकि अभी उनका उपचार चल रहा है सिवान के सदर अस्पताल में और स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल नाजुक स्थिति बनी हुई है। एसडीपीओ अशोक कुमार आजाद सिवान के सदर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तमाम लोग पहुंच रहे हैं। एटीएल लाइव के लिए रिशु और चंदन के साथ सिवान की रिपोर्ट। कौन मारा है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, देख करके हम लोग कितनी उसे गिरफ्तार करें, लड़ाई करेंगे।